बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन से मुतालिक काफी सारे सवाल कराए थे। गालिबन लास्ट पार्ट था पार्ट नंबर 26, इंटीग्रल ऑफ कोसेक रेज टू द पावर 6x। अब बाकी पार्ट्स भी देख लें। पार्ट नंबर 27, पार्ट नंबर 27 इज इंटीग्रल ऑफ कॉट 3x मल्टीप्लाइड बाय कोसेक रेज टू द पावर 4 3x dx। तो सबसे पहले तो आप एंगल को सिंपल बना दें, और 3x इज इक्वल टू y, 3dx is equal to dy। इसका मतलब dx हो जाएगा 1/3 dy। अब क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cot y मल्टीप्लाइड बाय cosec रेज टू द पावर 4y 1/3 dy। 1/3 is constant, taking it outside. Integral of cot y multiplied by cosec raised to the power 4y dy। अब आप इसे दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। cot का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, cosec का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। फर्ज करें हम cosec का डेरिवेटिव बनाना चाहें, 1/3 as it is, it can be written as cosec raised to the power 3y into cosec y
परेशान मत हो, नेट मेरा ख्याल में डिस्कनेक्ट हो रहा है। बहरहाल कोशिश करते हैं दोबारा से। तो पार्ट नंबर 27 शुरू किया था हमने, फिर देख लें। पार्ट नंबर 27 अब तक तो मेरा ख्याल में आपको खुद भी कर लेना चाहिए था। इंटीग्रल ऑफ कॉट रेज टू द पावर कॉट ऑफ एंगल 3x इनटू कोसेक रेज टू द पावर 4 ऑफ एंगल 3x dx। हमने पहले तो एंगल को सिंपल बनाया था बाय पुटिंग 3x इज इक्वल टू y, सो 3dx इज इक्वल टू dy। इसका मतलब dx इज इक्वल टू 1/3 dy। क्वेश्चन हो गया था इंटीग्रल ऑफ कॉट रेज टू द कॉट ऑफ एंगल y कोसेक पावर 4y 1/3 dy। 1/3 is constant taken outside. Integral of cot y into cosec raised to the power 4y dy. इसके बाद हमने ऑप्शन दी थी कि cot का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, cosec का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। अगर हम cosec का डेरिवेटिव बनाएं तो cosec पावर 4 को ब्रेक करेंगे कोसेक क्यूब वाई इंटू कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई। चूंकि फंक्शन की जगह पे कोसेक है, पावर 3, इट्स डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक वाई कॉट वाई। माइनस की कमी है, माइनस की कमी को पूरा करने के लिए आप माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ कोसेक पावर 3y इंटू माइनस कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इट इज इक्वल टू फंक्शन रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। It is equal to minus 1/12 cosec raised to the power 4 y is equal to 3x plus some constant. अब अगर फर्ज करें इसी क्वेश्चन को, आप cot का डेरिवेटिव बना के सॉल्व करते हैं तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ cot y इंटू कोसेक पावर 4y था डी वाई, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आप कोसेक रेज टू द पावर 4 को ब्रेक कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर y इंटू कोसेक स्क्वायर y डी वाई। अब ये तो हो गया डेरिवेटिव, माइनस की कमी है वो कमी पूरी कर दी जाएगी। डेरिवेटिव बन सकता है इसका cot का, तो रिमेनिंग पार्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू cot। 1/3 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ cot y इनटू cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाय cosec स्क्वायर y dy। कॉट को मल्टीप्लाई करें तो 1/3 एज इट इज कॉट वाई इंटू 1 प्लस कॉट वाई इंटू कॉट स्क्वायर वाई, इट इज कॉट क्यूब वाई मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब 1/3 कोसेक को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा cot y इंटू कोसेक स्क्वायर y dy प्लस
cot cube y into cosec square y dy. आपने cosec square y को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें, 1/3 इंटीग्रल ऑफ cot y इंटू cosec स्क्वायर y dy प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ cot raised to the power 3y इंटू cosec स्क्वायर y dy. अब डेरिवेटिव ऑफ cot चूंकि माइनस cosec स्क्वायर होता है, माइनस की कमी है, तो ये कमी पूरी करने के लिए आप माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें. इंटीग्रल ऑफ cot y इंटू माइनस cosec स्क्वायर y dy माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ cot रेज टू द पावर 3y इंटू माइनस cosec स्क्वायर y dy. अब दोनों ही जगह पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है. फंक्शन रेज टू द पावर n की जगह पे 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब ये बन गया माइनस 1/3 cot स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/3 cot रेज टू द पावर 4y डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कॉन्स. It is equal to minus 1/6 cot square y is equal to 3x minus 1/12 cot raised to the power 4 of angle 3x plus some constant. आप इनमें से कोई सा भी काम कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं. Now see part number 28. Part number 28. Now come to part number 28. Integral of cot raised to the power 5 of angle x upon 2 multiplied by cosec raised to the power 3 of angle x upon 2 dx. अब यहाँ cot का डेरिवेटिव तो नहीं बना सकते, मगर cosec का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है दोनों को ब्रेक करके. तो पहले तो आप एंगल को सिंपल बनाएं. x upon 2 is equal to y, so dx upon 2 is equal to dy. इसका मतलब dx is equal to 2 dy. क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cot रेज टू द पावर 5 ऑफ एंगल y इनटू cosec रेज टू द पावर 3y 2dy. 2 इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड. इंटीग्रल ऑफ cot पावर 5y इनटू cosec रेज टू द पावर 3y dy. अगर हम cot का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करें तो cosec स्क्वायर तो ऐसे डेरिवेटिव यूज हो जाएगा. cosec को आप cot में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए cot का डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता. तो फिर cosec का डेरिवेटिव वो होता है cosec इंटू cot, तो वो दोनों को ब्रेक करके आप ला सकते हैं. It is equal to cot raised to the power 4y into cosec raised to the power 2y into cosec y cot y dy. It may become the derivative of cosec. So remaining part should be converted into cosec. इसे cosec में convert करें तो cosec square तो ठीक है. cot is पावर 4 को आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर होल स्क्वायर. cot स्क्वायर y होल स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाय cosec y इनटू cot y dy. नाउ इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर y माइनस 1
होल स्क्वायर एज इट इज इनटू कोसेक स्क्वायर वाई कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई. It is equal to 2 multiplied by integral of cosec raised to the power 4y minus 2 cosec square y plus 1 multiplied by cosec square y into cosec y cot y dy. It is equal to 2 multiplied by cosec raised to the power 6y minus 2 cosec raised to the power 4y plus cosec raised to the power 2y. आपने cosec square y को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट के साथ इनटू कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई. अब कोसेक वाई कॉट वाई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इनटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक रेज टू द पावर 6 वाई इनटू कोसेक वाई कॉट वाई dy minus 2 into 2 is minus 4 integral of cosec raised to the power 4y multiplied by cosec y cot y dy. Thus 2 into integral of cosec raised to the power 2y into cosec y cot y dy. अब मसला ये है कि cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec इनटू cot, तो इसका मतलब डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, किसी भी टर्म में कंप्लीट नहीं है. तो आप डेरिवेटिव को कंप्लीट करें. डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें. माइनस 2 into integral of cosec raised to the power 6y into minus cosec y cot y dy. Minus into minus plus 4 integral of cosec raised to the power 4y into minus cosec y cot y dy and plus into minus is minus 2 integral of cosec square y multiplied by minus cosec y cot y dy. अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये हो गया माइनस 2 इनटू cosec रेज टू द पावर 7y divided by 7 plus 4 into cosec raised to the power 5y divided by 5 minus 2 into cosec raised to the power 3y divided by 3 plus some constant. Function raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक रेज टू द पावर 7y प्लस 4 अपॉन 5 इनटू कोसेक रेज टू द पावर 5y माइनस 2 अपॉन 3 इनटू कोसेक रेज टू द पावर 3y प्लस सम कांस्टेंट. अब उधार वापस कर दें. उधार वापस करने का मतलब y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस 2 अपॉन 7 इंटू कोसेक रेज टू द पावर 7 y, y इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू कोसेक रेज टू द पावर 5 ऑफ एंगल x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3
into cosec raised to the power 3 of angle x upon 2 plus some constant. It is the most simplified form of the given integral. अगर आपने ट्राई किया है और खुद से ये सॉल्व करने में कामयाब हो गए तो इट्स गुड. नाउ सी पार्ट नंबर 29. पार्ट नंबर 29 इज इंटीग्रल ऑफ cot square of angle 2x multiplied by cosec raised to the power 4 of angle 2x dx. तो सबसे पहले तो आप एंगल को सिंपल बनाएं by putting 2x is equal to y. इसका मतलब 2dx is equal to dy. इसका मतलब dx is equal to half dy. अब ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ cot raised to the power 2 y into cosec raised to the power 4 y half dy. Half is constant, taking it outside. Integral of cot raised to the power 2 y into cosec raised to the power 4 y dy. cot का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन cosec का डेरिवेटिव cosec इनटू cot को यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि इस मकसद के लिए अगर cot स्क्वायर को cot इनटू cot कर दें तो एक cot तो चले एज ए डेरिवेटिव यूज होगा, दूसरे cot का क्या करें. इसी वजह से यहाँ cosec का डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता. हम cot का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. It is equal to cosec square y into cosec square y dy. It may become the derivative of cot, so remaining part should be converted into cot. It is equal to half integral of cot square y multiplied by cosec square y is equal to 1 plus cot square y into cosec square y dy. ये बन गया half of integral of cot square y plus cot raised to the power 4 y into cosec square y dy. तो ये हो गया 1 upon 2 integral of cot square y cosec square y dy plus 1 upon 2 integral of cot raised to the power 4 y into cosec square y dy. cosec square y को दोनों terms के साथ multiply करके sum और difference भी आपने इस्तेमाल कर लिया. अब चूंकि cot का derivative minus cosec square होता है, minus is missing. minus से twice multiply कर दें, माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर वाई इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस ये भी माइनस हो गया. माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ कॉट रेज टू द पावर फोर वाई इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई. function raised to the power n into derivative of function complete हो गया. यहाँ पे भी function raised to the power n into derivative ये complete हो गया. इसका मतलब आप अब इसे integrate कर सकते हैं. ये हो गया minus 1 upon 2 into cot raised to the power 3y divided by 3 minus 1 upon 2 cot raised to the power 5y divided by 5 plus some constant. It is equal to minus 1 upon 6 cot raised to the power 3y minus 1 upon 10 into cot raised to the power 5y plus some constant. y की जगह अब आप y की वैल्यू पुट कर दें.
y था 2x, तो इट इज माइनस 1 अपॉन 6 cot raised टू द पावर 3 ऑफ एंगल 2x माइनस 1 अपॉन 10 cot raised टू द पावर 5 ऑफ एंगल 2x प्लस सम कांस्टेंट। अब देखिए पार्ट नंबर 30, बल्कि एक पार्ट हमने ऐसा ही छोड़ दिया था कल। पार्ट नंबर 22 एंड पार्ट नंबर 30 ये आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। तो इसमें यूजुअल ब्रेकिंग नहीं होती है, या आप ख़ास तौर पे देख लीजिए पार्ट नंबर, पहले तो देखें 22, पार्ट नंबर 22 इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स डी एक्स। यहाँ परेशानी यह है कि ऑर्डिनरी ब्रेकिंग फेल हो जाती है। आप सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेंजेंट बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं फिलहाल। और टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ये भी नहीं ला सकते। इसका मतलब ऑर्डिनरी ब्रेकिंग यहाँ फेल हो गई। अगर ऑर्डिनरी ब्रेकिंग फेल हो जाए तो फिर इस सेक को देखते हुए आप सेक का डेरिवेटिव तो नहीं ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सेक का डेरिवेटिव लाने के। इस मकसद के लिए टेंजेंट एक्स इंटू सेक एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब इस टेंजेंट का क्या करें, इसे हमने सेक में कन्वर्ट करना है। नॉर्मली तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉर्मूला शायद आपको याद हो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमने काम जबरदस्ती किया है। इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स डी एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब रूट को रिमूव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रूट को रिमूव करेंगे पावर हाफ, तो इसका मतलब आप फंक्शन पावर एन यूज़ करना चाहते हैं, तो फंक्शन की जगह पे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन है, तो इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स विच इज़ नॉट गिवन। आपको सिर्फ टेंजेंट एक्स सेक एक्स का डेरीवेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब हम चालाकी कर सकते हैं। put sec x is equal to y, so sec x tangent x dx is equal to dy। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस वन dy। ऐसा इस वजह से आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला होगा y स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी वाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ याद तो आ ही रहा होगा, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स गालिबन सेकेंड लास्ट फॉर्मूला था। तो आपको x की जगह पे y दे रखा है, a की जगह पे 1, तो रिजल्ट इज हाफ ऑफ एक्स यानी हाफ ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एर एन ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट। Now it is equal to
हाफ ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस हाफ वन स्क्वायर इज वन, वन मल्टीप्लाई हुआ नो चेंज, एरन ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, y है sec x, इसका मतलब ये बन गया हाफ ऑफ sec x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस वन माइनस हाफ sec x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट। स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस वन इज टेंजेंट x, इसका मतलब ये हो गया हाफ sec x इंटू टेंजेंट x माइनस हाफ ln of minus half ln of sec x plus tangent x root sec square x minus 1 plus some constant. It is the most simplified form of the integral of टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू sec x। ये आपके दिमाग में जाहिर सी बात है उस वक्त ये रूल आएगा जब कोई और काम ना किया जा सकता, इट्स नॉट ऑर्डिनरी ब्रेकिंग। अब पार्ट नंबर 30 भी देख लें। पार्ट नंबर 30 है इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x इंटू cosec x। इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। यू नो दैट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं cot x into cosec x cot x dx। हमने डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की है cosec का डेरिवेटिव, माइनस साइन की कमी है तो वो कमी तो पूरी की जा सकती है। इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ cot x it can be written as square root of cosec square x minus 1 into cosec x cot x dx. Now like previous question put cosec x is equal to y, iska matlab minus cosec x into cot x dx is equal to dy and you are given cosec x into cot x dx, ये हो जाएगा माइनस डी वाई। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस डी वाई, माइनस वन इज कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी वाई। तो सेम फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ, क्या था फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये माइनस तो वैसे ही लिखें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट वॉज हाफ एक्स यानी वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर इंटू एलन ऑफ एक्स यानी वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट। आप इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इट बिकम्स हाफ ऑफ ln of y plus
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, ये नेगेटिव टर्म थी, माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव टर्म थी ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गई। हाफ वाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट। अब वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू थी कोसेक एक्स, तो ये बन गया हाफ ऑफ एलन ऑफ कोसेक एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस हाफ वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट। रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इट इज कॉट थीटा, तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ हाफ ln of cosec x plus cot x minus half of cosec x into cot x plus some constant। भाई ये आपकी इंटीग्रेशन तो हो गई, ऑलमोस्ट 90% इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 90% इंटीग्रेशन आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक फेस टू फेस क्लास होगी, फॉर्मूले सुनूंगा क्योंकि दिखवा नहीं सका आप लोगों से, तो बस मौका मत दीजिएगा कि फार्मूले लिखवाने के लिए दूँ आपको, आप पहले ही याद करके आइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट अब जो भी होगा आपका वो डिफरेंशिएशन में ऐसा करते हैं कि चैप्टर 2 और 3 को छोड़ देते हैं, बाकी डेरिवेटिव और ये जो थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है बस यही चीज आएगी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।